नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल भगवान लोक पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। होंगे दोस्तों, चलिए अब जानते हैं नवरात्रि में कौन कौन सी सब्जी नहीं खाना चाहिए और कौन कौन सी सब्जी खाना चाहिए और कौन सा फल खाने से व्रत टूट जाता है। आइए जानते हैं नवरात्रि में क्या खाएं और क्या नहीं खाएं और क्या पीना चाहिए और कौन सा फल खाना विशेष और शुभकारी माना गया है। आज हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में अपनी राशि जरूर डाल दीजिएगा। यदि हमारे पास आपकी राशि के अनुसार कोई उपाय होगा तो वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे, ताकि आपको राशि के अनुसार फल प्राप्त हो। राशि के अनुसार किया गया कार्य बहुत ही शुभ माना जाता है। मैया वैष्णो रानी बहुत प्रसन्न होती है। कमेंट में लिखें, माता रानी आपका स्वागत है हमारे घर में, जय माता रानी। एक लाइक जरूर करें, वैष्णो रानी के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार बताए गए व्रत चाहे किसी भी प्रकार के क्यों ना हो, उनसे जुड़े पालनों का नियम करना अति आवश्यक माना जाता है, क्योंकि जो मन के मुताबिक किया जाए वह संघर्ष नहीं कहलाता। कहा जाता है कि मनोकामना को पूर्ण करने के लिए थोड़ा सा संघर्ष यानी कि तपस्या तो करनी ही पड़ती है, इसीलिए ऐसी मान्यता है कि व्रत को पूर्ण विधि विधान से किया जाना चाहिए, तब आपको व्रत का पूर्ण लाभ फल प्राप्त होता है। अति उत्तम और शीघ्र दीर्घायु वरदान प्राप्त होता है। आपकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र मैया रानी पूर्ण करती है। ऐसे व्यक्ति को मरने के बाद माता रानी के चरणों में स्थान मिलता है, वह सदैव माँ की सेवा करता है। ऐसा भक्त स्वर्ग लोक में जाता है। इसीलिए हर शास्त्र यही कहता है कि सच्चे दिल से अगर आपके मन में ईश्वर के प्रति श्रद्धा हो तो बिन पूजा पाठ के ही सारा फल मिल जाता है, और अगर मन में ईश्वर के प्रति शंका हो तो उस मनुष्य को कई जन्मों तक सुख नहीं मिलता, वह नरक में ही भटकता रहता है। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा था, जो मनुष्य सच्चे हृदय से ईश्वर को पुकारता है तो उसका नाता उस शक्ति से जुड़ जाता है जिसे आपने सच्चे हृदय से पुकारा था। इसलिए भगवान भी कहते हैं कि सच्चे हृदय से ही ईश्वर को पुकारो तो वह आपकी हर मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। दोस्तों, कई लोग ऐसे हैं जो भगवान के सामने घंटों पूजा पाठ करते हैं तथा रोते हैं, फिर भी भगवान उनकी कभी नहीं सुनता। दरअसल जब आप सच्चे मन से ईश्वर को पुकारते ही नहीं है तो भला वो आपकी पुकार कैसे सुनेंगे। दोस्तों, ये तो थी वो बातें जो भक्त और भगवान के बीच की है। अब हम जानते हैं नवरात्रों के दौरान क्या नहीं खाना चाहिए और क्या नहीं पीना चाहिए और कौन सा फल खाने से व्रत संपूर्ण और सफल हो जाता है। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, चाहे मर जाना भूल कर भी नवरात्रि के दिनों में पानी पूरी कभी मत खाना, क्योंकि इस दिन कभी कभी बीच में शुक्रवार पड़ जाता है और शुक्रवार को माँ संतोषी का बार कहा जाता है। माता संतोषी खट्टी चीज खाने वाले व्यक्ति से हमेशा क्रोधित रहती है, नाराज रहती है, क्योंकि नवरात्रों में माता संतोषी जागृत अवस्था में हो जाती है। माता संतोषी की शक्ति नवरात्रों में कई करोड़ गुना बढ़ जाती है। नवरात्रों में जब शुक्रवार पड़ जाए तो इमली नहीं खाना चाहिए। माता संतोषी रूष्ट हो सकती है, आपको दंड दे सकती है। नींबू नहीं खाना चाहिए। वैसे तो नवरात्रि के व्रत में नींबू खा लेना चाहिए, पर अगर शुक्रवार हो तो माता संतोषी के क्रोध से बचने के लिए नींबू नहीं खाना है। इस दिन नींबू का त्याग करना चाहिए। दोस्तों, पानी पूरी क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि उसमें लहसुन प्याज होता है और खट्टा भी होता है, जो व्रत को भंग कर सकता है, पाप लग सकता है। ध्यान पूर्वक अगर आप शुक्रवार को खट्टा नहीं खाते हैं तो माता संतोषी आपको धन धान्य से मालामाल कर देती है, आपके घर में अपना वास बना लेती है। बस शुक्रवार के दिन नवरात्रों के दिनों में इस चीज का त्याग करना चाहिए, पालन करना चाहिए। नवरात्रों में लहसुन प्याज और खट्टा, फिर चाहे आपने व्रत भी नहीं रखा है, फिर भी आपको शुक्रवार के दिन या अन्य दिनों में लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। लेकिन हाँ, पानी पूरी आप खा सकते हैं, वो भी जब नवरात्रि समाप्त हो जाए। दोस्तों, नवरात्रि के दिन सेब जरूर खाना चाहिए। शास्त्रों में बताया जाता है कि भगवान के भोग में सेब आदि जरूर अर्पित किया जाता है। अगर आपका व्रत है तो आपको सेब जरूर खाना चाहिए। केला, पपीता, तरबूज और मीठे अंगूर जरूर खाना चाहिए। इन फलों से व्रतधारी को शक्ति मिलती है और व्रत संपूर्ण हो जाता है। शास्त्रों में बताया जाता है कि नवरात्रों के दिनों में सीताफल जरूर खाना चाहिए। सीताफल खाने से 20 ऐसी बीमारियां हैं जो खत्म हो जाती हैं, माना जाता है। नवरात्रों के दिनों में सीताफल का घर में प्रवेश होना बड़ा ही शुभ माना गया है। सीताफल खाने से नवरात्रि का व्रत सफल हो जाता है, क्योंकि इसमें माता सीता का आशीर्वाद मिला हुआ होता है।
माना जाता है भगवान राम के वनवास के दौर में माता सीता ने यही फल खाया था। नवरात्रि के दौरान इसे जो भी खाता है उसे दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। सीता फल आपको जरूर खाना चाहिए। माता सीता प्रसन्न होती हैं और आशीर्वाद देती है। दोस्तों, नवरात्रों में तेल की तली हुई हरी मिर्च खा सकते हैं, लेकिन कम मात्रा में खाना है। व्रत के दौरान ज्यादा तीखा नहीं खाना चाहिए। व्रत में तीखा खाने से व्रतधारी की जो पेट की आंतें होती हैं उसमें जख्म हो सकते हैं, क्योंकि इस दौरान हम व्रत का पालन करते हैं तो हमारे पेट में कुछ नहीं होता। इसीलिए हल्का खाना खाना सर्वोप्रिय और उत्तम माना जाता है। व्रतधारी को रसीले आलू अवश्य खाना चाहिए। इससे हमारे शरीर में ऊर्जा की भरपूर जरूरत जो होती है पूरी हो जाती है। आप आलू का पानी पी सकते हैं। रसीले आलू जरूर खाना चाहिए। दोस्तों, नवरात्रों में भिंडी की सब्जी जरूर खाना चाहिए। भिंडी में कई ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो हमारी हड्डियों को मजबूत बनाते हैं, तथा नवरात्रों में बैंगन की सब्जी जरूर खाना चाहिए। लेकिन याद रहे, जब नवरात्रों में सोमवार पड़ जाए तो बैंगन की सब्जी मत खाना, पाप लगेगा। नवरात्रों में सब्जी में हरा धनिया जरूर डालना चाहिए। हरे धनिये से भी व्रतधारी को पोषक तत्व मिलते हैं। नवरात्रों में हरा धनिया अवश्य खाएं। इससे जो शुगर लेवल होगा वह कम हो जाएगा। नवरात्रों में रिफाइंड का तेल और सरसों का तेल भूलकर भी व्रत के दौरान नहीं खाना चाहिए। मूंगफली का तेल और देसी घी और गोले का तेल खाना अच्छा माना जाता है। दोस्तों, नवरात्रों में व्रतधारी को डब्बा बंद लस्सी, डब्बा बंद जूस नहीं पीना चाहिए। उसमें कई केमिकल मिले होते हैं जिसके कारण आपका व्रत टूट सकता है। जब भी आप फलों का जूस पिए तो याद रखें उसमें नमक ना डालें, नहीं तो व्रत टूट जाएगा। साथ ही साथ जूस में बर्फ भी नहीं डालना चाहिए। फलों का सादा जूस पीने से व्रत सफल होता है। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान सिंघाड़े का आटा या कुट्टू का आटा खाने से पहले यह देख लें कि आटा पुराना नहीं होना चाहिए, क्योंकि पुराने आटे में कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं जिसके कारण आपका व्रत टूट सकता है। क्योंकि ये छोटे छोटे कीड़े हमें दिखाई नहीं देते और आपके मुंह तक पहुंच जाते हैं। ऐसा आटा खाना मतलब कीड़े मकोड़ों का मांस खाने के बराबर माना गया है। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान आप शाम के समय खाने में दही ले सकते हैं, आलू वगैरह खा सकते हैं, आलू के चिप्स खा सकते हैं, साबूदाने की टिकिया बनाकर खा सकते हैं, साबूदाने की खिचड़ी खा सकते हैं, आलू के पापड़ भी खा सकते हैं। कई सब्जियां तो ऐसी है जो नवरात्रि के दौरान भोजन में शामिल कर सकते हैं। इससे आपको एनर्जी मिलेगी और व्रत सफल हो जाएगा। नवरात्रि के दौरान आप दूध पी सकते हैं जो आपको ताकत देगा। चाय वगैरह भी पी सकते हैं, लेकिन याद रहे उसमें नमक ना डालें। चाय में नमक डालने से व्रत भी टूट जाएगा और हड्डियां भी गल जाती हैं। एक बात का ध्यान रहे, व्रतधारी को पेट भर खाना यानी गले तक भोजन नहीं करना चाहिए, नहीं तो व्रत रखने का कोई भी फायदा नहीं होगा। थोड़ा थोड़ा खा सकते हैं। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिन आदिशक्ति माँ दुर्गा को समर्पित होते हैं। नवरात्रि के 9 दिन माता रानी के 9 अलग अलग स्वरूपों का पूजन किया जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों तक माता रानी को अलग अलग स्वरूप के हिसाब से अलग अलग पुष्प, अलग अलग भोग अर्पित किए जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें नवरात्रि के दौरान भूलकर भी माता रानी को अर्पित नहीं करना चाहिए? अगर इन वस्तुओं को आप गलती से भी माता रानी को अर्पित कर देते हैं तो आपको व्रत और पूजन का पूर्ण लाभ नहीं होगा। इसीलिए माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको ये जानना अति आवश्यक है कि वो कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो माता रानी के पूजन में भूलकर भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो आइए माँ का जयकारा लगाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, नंबर एक, नवरात्रि के दौरान शादीशुदा महिलाओं को सफेद कपड़े पहनकर पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ काले कपड़े भी नहीं पहनना चाहिए, इससे पूजा व्रत आदि खंडित हो जाती है। माता की चौकी जब आप लगाएं तो उसके नीचे कागज नहीं लगाना चाहिए। माता की चौकी हमेशा लाल कपड़ा बिछाकर ही बनाना चाहिए। हमेशा याद रहे, नवरात्रों के इन 9 दिनों तक व्रतधारी को अपना आसन माँ की चौकी के आगे ही लगाना चाहिए और वहीं पर आपको सोना चाहिए। मंदिर को नवरात्रों के दौरान अकेला नहीं छोड़ा जाए, बहुत ही अशुभ माना जाता है। जरा आप ही सोचिए, माता रानी 9 दिनों के लिए धरती पर आकर आपके घर में रहने के लिए आई हैं और ऐसे में आप उन्हें अकेला अगर छोड़ते हैं तो माता भी आपको छोड़कर चली जाएंगी। वह कहेंगी इसको मेरी जरूरत नहीं है, वह अकेली पड़ जाती है, इसीलिए माता के पास मैं ही सोना चाहिए। दोस्तों, नंबर दो, नारियल हिंदू धर्म में नारियल को समृद्धि, धन, श्रद्धा और सम्मान का सूचक माना जाता है। नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है। नारियल को सुख समृद्धि में वृद्धि करने वाला माना जाता है। नारियल का हर मांगलिक कार्य में विशेष महत्व होता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि माता रानी के कई मंदिरों में नारियल से बलि भी दी जाती है और माता रानी के पूजन में नारियल का इस्तेमाल हम सभी करते हैं।
खासकर कलश की स्थापना नारियल रखकर ही की जाती है। माता रानी की पूजन में हम नारियल इस्तेमाल करते समय कुछ गलतियां कर बैठते हैं। दोस्तों, नारियल कई प्रकार के होते हैं, एक हरा दूसरा सूखा, जिसके अंदर पानी होता है। जिस नारियल के अंदर पानी होता है, माता रानी के पूजन में सदैव पानी वाला और जटा वाला नारियल ही इस्तेमाल करें। नारियल का पूर्ण होना चाहिए, नारियल चटका हुआ या टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि साबुत नारियल ही पूर्ण और पवित्रता का प्रतीक होता है। साबुत नारियल ही सुख समृद्धि का प्रतीक होता है। साबुत नारियल को ही श्रीफल यानी कि मां लक्ष्मी का फल कहा जाता है। नवरात्रि में माता रानी के कलश की स्थापना करते समय जटा वाला यानी पानी वाला नारियल ही कलश पर स्थापित करना चाहिए। साथ ही यह ध्यान रखना चाहिए कि नारियल को सदैव कलश के ऊपर लेटाकर रखना चाहिए। घट स्थापना करते समय कभी भी नारियल को खड़ा करके नहीं रखा जाता, नारियल को सदैव लेटाकर कलश के ऊपर रखा जाता है। साथ ही नारियल को स्थापित करने से पहले आप नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर उस पर और फिर लाल चुनरी उड़ाकर आप नारियल को कलश के ऊपर स्थापित करें। शास्त्रों के अनुसार कलश के ऊपर जब सही तरीके से नारियल रखा जाता है और सही प्रकार का नारियल रखा जाता है, तभी ही व्रत और पूजन का पूर्ण फल प्राप्त होता है। यह भी ध्यान रहे कि महिलाएं माता रानी को नारियल अर्पित तो कर सकती हैं, लेकिन कभी भी माता रानी के सामने नारियल को भूलकर भी न तोड़े, क्योंकि नारियल बीज रूप होता है और स्त्रियां बीज रूप से ही शिशु को जन्म देती हैं। इसीलिए कभी भी महिलाओं को नारियल नहीं तोड़ना चाहिए। दोस्तों, नंबर 3, लौंग। लौंग हम सभी माता रानी के पूजन में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लौंग का इस्तेमाल करते समय एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि माता रानी को सदैव फूल वाली लौंग ही अर्पित करना चाहिए। जिस लौंग के ऊपर फूल नहीं होता या फिर जिस लौंग के पीछे लकड़ी की डंडी नहीं होती, उसको आप माता रानी के पूजन में भूलकर भी इस्तेमाल ना करें। फूल वाले लौंगों को ही पूर्ण माना जाता है और माता रानी की पूजन में कोई भी अपूर्ण वस्तु, कोई भी खराब वस्तु या टूटे हुए अक्षत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसीलिए सदैव माता रानी की पूजन में फूल वाली लौंग का ही इस्तेमाल करें। दोस्तों, नंबर 4, तुलसी के पत्ते अर्पित नहीं करने चाहिए। मां दुर्गा के पूजन में तुलसी पत्र का इस्तेमाल करना वर्जित माना जाता है। तुलसी पत्र के अलावा आंवला भी माता रानी को अर्पित नहीं करना चाहिए और दुर्बा भी माता रानी को अर्पित नहीं करना चाहिए। दुर्बा भगवान श्री गणेश को अति प्रिय है। नवरात्रि में आप भगवान गणेश को दुर्बा अर्पित कर सकते हैं। भगवान विष्णु जी को तुलसी के पत्ते अवश्य अर्पित कर सकते हैं, लेकिन माता रानी को भूल कर भी तुलसी के पत्ते या दुर्बा अर्पित ना करें। माता रानी को सफेद फूल भी अर्पित ना करें। माता रानी को सदैव लाल रंग के फूल अर्पित करने चाहिए। लाल रंग के फूल माता रानी को अति प्रिय है। खासकर माता को गुड़हल और कमल के फूल अति प्रिय हैं। शास्त्रों में बताया जाता है कि घर में माता रानी की 2 या 3 मूर्तियां या फोटो नहीं होने चाहिए। इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें कि माता रानी के पूजन में कोई भी खंडित चीज इस्तेमाल ना करें, जैसे कि चटका हुआ या टूटा हुआ दीपक या फिर चटका हुआ कोई बर्तन। साथ ही ये भी ध्यान रहे कि लोहे की और प्लास्टिक के बर्तन आप माता रानी के पूजन में इस्तेमाल ना करें, क्योंकि प्लास्टिक के चाइनीज बर्तन हड्डियों के पाउडर से मिलकर बनते हैं। ऐसा ना करें, ऐसे बर्तनों को माता रानी के पूजन से सदैव दूर रखें। माता रानी को जो पुष्प अर्पित कर रहे हैं, उन्हें सूंघे नहीं सूंघे हुए फूल या गिरे हुए फूल या फिर मुरझाए हुए फूल माता को अर्पित ना करें। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता दी। जानकारी पसंद आए तो एक लाइक तो बनता है। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही कीमती है। मैया रानी के लिए एक लाइक तो बनता ही है। अगर आपको भगवान से जुड़े बातें और जानना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर आप इस चैनल पर भी जाकर देख सकते हैं, बहुत सी वीडियो हमने बनाई है और जिन पर आपको बहुत अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें पता लग जाएंगे। तो एक बार हमारे चैनल पर भी आप जरूर देखें। और आपको अगर हमसे कुछ पूछना है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो।